गाइस, सो आज मैं सिखाऊंगी आपको एक इजीएस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग रूबिक्स क्यूब। तो सबसे पहले मैं रूबिक्स क्यूब को मिक्स कर रही हूँ। अब रूबिक्स क्यूब में जो येलो कलर होता है उसके साइड में हमें व्हाइट कलर से एक प्लस क्रिएट करना है। येलो के साइड में हमें व्हाइट कलर के बॉक्स को लेके आना है। व्हाइट के साइड में जो भी कलर है हमें उससे मैच करना है। ग्रीन से ग्रीन को मैच करके रोटेट, अब ब्लू को ब्लू के साथ रोटेट करना है मैच करके, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मैच करके रोटेट, रेड को रेड के साथ मैच करके रोटेट। अब जो व्हाइट कलर बच गया है उसमें दो कलर आए हैं जैसे ग्रीन और रेड, तो हमें ग्रीन और रेड वाली लाइन में जाना है। व्हाइट का फेस जिस साइड उस साइड स्वाइप करना है एंड देन अप करना है, वापस रोटेट एंड डाउन। यही प्रोसेस अभी हमें सारे वाइट्स के साथ करना है जो बचे हुए हैं। जैसे इस वाइट में ब्लू और रेड आया है तो ब्लू और रेड के पास जाना है, वाइट को स्वाइप करना है, अप करना है, बैक करना है एंड डाउन करना है। अब एक वाइट बच चुका है, इसके साथ भी हमें सेम वही प्रोसेस करना है। सेम प्रोसेस अब हमें इस वाइट के साथ भी करना है एंड देन फर्स्ट लेयर हमारी कम्प्लीट हो चुकी है। अब जैसे कि यहाँ पे ब्लू बच चुका है तो ब्लू को अपोजिट साइड में करना है, अप करना है, बैक करना है, रोटेट करना है। वापस से यही प्रोसेस करेंगे अब हम सेकंड लेयर को भी कंप्लीट करने के लिए। जब जैसे यहाँ पे ऑरेंज है तो फिर इसे भी अपोजिट साइड में करना है और सेम वही प्रोसेस करना है। ऐसे ही हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो जाएगी सेम इसी प्रोसेस को करने से। अब यहाँ पे सिर्फ एक बचा है वो भी रेड वाला, तो उसे भी अपोजिट डायरेक्शन में करके सॉल्व करेंगे। सेकंड लेयर भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें येलो से ऊपर प्लस बनाना है जैसे हमने वाइट से बनाया था स्टार्टिंग में। येलो को प्लस बनाना भी बहुत इजी है, वाइट की तरह जैसे हमने बनाया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। अब हमारा प्लस बन चुका है येलो कलर का। अब हमें थर्ड लेयर के जो मिडल पॉइंट्स हैं उसे सेकंड लेयर के मिडल पॉइंट्स के साथ मैच करना है। अब हमारे दो कलर्स मैच हो चुके हैं, ब्लू और रेड। अब सारे कलर्स मैच हो चुके हैं, उसी प्रोसेस को फॉलो कर। अब लास्ट स्टेप बचा है सिर्फ रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। इससे हमारे पूरे रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अब हमें बैक करना है, सबसे पहले नीचे करना है, बैक करना है, अप करना है, डाउन बैक अप डाउन बैक अप, यही प्रोसेस करते हुए रूबिक्स क्यूब हमारा सॉल्व हो चुका है। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय।